हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर सैनी। स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज मैं आपसे वेरियल फ्रिक्वेंसी ड्राइव FC51 डाइनफर्स की जो ड्राइव है उसके कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। आइए समझते हैं। फिर से आपका स्वागत है। अब हम माइक्रो ड्राइव FC51 की कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि ये दिया हुआ है कि स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन और पोटेंशियोमीटर की बायरे हमको करना है। ये मेनली वहाँ यूज होता है जहाँ पर कि रिमोट टर्मिनल से हमको इसकी स्पीड को घटाना बढ़ाना और वेरी करना हो। अब हम इसकी टर्मिनल बायरिंग को देखते हैं। ये कंट्रोल वायरिंग का ओवरव्यू दिया हुआ है। ये 61, 68 और 69 ये RS485 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 12 नंबर का जो टर्मिनल है 24 वोल्ट आउटपुट जनरेट करता है और यह आउटपुट हम स्टार्ट के पुश बटन के इनपुट में और सेकंड लूप करके स्टॉप के पुश बटन में दे देंगे। जो स्टार्ट का आउटपुट है ये NO एलिमेंट से होके 18 नंबर डिजिटल इनपुट में चला जाएगा। इसमें 19 नंबर जो है वो रिवर्स के लिए यूज करते हैं, 20 नंबर ग्राउंड के लिए यूज होता है और 27 नंबर है डिजिटल इनपुट, वो हम स्टॉप के लिए जो रीसेट दिया हुआ है यानी डिजिटल इनपुट 27 नंबर ये स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें 29 नंबर है जो वो जॉग डिजिटल इनपुट 29 नंबर वो जॉग में यूज़ होगा। इसमें 33 है वो प्रीसेट बिट 0 में यूज़ करेंगे। अब 42 नंबर है वो 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे जैसे हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव की स्पीड को हमें कहीं मॉनिटर करना है वहाँ पे हम इसको 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट यूज करते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो इसके रेफरेंस से तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम 50, 53 और 55 ये जो तीन टर्मिनल हुए हैं 50, 53 और 55 ये तीनों टर्मिनल में 10 नंबर बोल्ट आउटपुट है 50 नंबर का, 0 to 10 बोल्ट वोल्टेज इनपुट है 53 के लिए और इसमें ग्राउंड है 55। ये तीनों टर्मिनल जो हैं पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और इसके बाद 60 नंबर वो एनालॉग आउटपुट 4 to 20 मिलियम्स है 0 to 20 मिलियम्स इनपुट के लिए यूज होता है। हम इसका यूज रेफरेंस सिग्नल या 4 to 20 मिलियम्स इसकी स्पीड को VFD की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए या और भी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें कंट्रोल वायरिंग का ओवरव्यू दिया हुआ है। ये 3-phase इनपुट सप्लाई, इसमें कंट्रोल और पावर वायरिंग का ओवरव्यू है। ये 3 इनपुट है L1, L2, L3, UVW आउटपुट दिया हुआ है। और इसके बाद 50 नंबर पे जैसा कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं 50 नंबर 53 और 60 नंबर और 55 नंबर ये सब एनालॉग के लिए दिए हुए होते हैं। और इसके बाद डिजिटल के लिए 12, 18, 19, 20, 27 और 29 और 33 ये डिजिटल इनपुट सिग्नल यहाँ से दिए जाते हैं जिससे इसके मल्टीपल फंक्शन स्टार्ट स्टॉप से रिलेटेड बहुत से वर्क किए जाते हैं। अब ये यहाँ दिया हुआ RS485 ये 68, 69 और 61 ये तीन टर्मिनल हैं। ये RS485 कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। 1, 2, 3 ये तीन टर्मिनल है ये VFD के रिले के लिए यूज किया गया है रिले आउटपुट के लिए। BR प्लस और BR माइनस ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब हम इसके डिप स्विच के अरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है ये अगर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो 29 नंबर का जो टर्मिनल है PNP मोड में रहेगा और अगर ये ऑन होगा तो 29 नंबर का जो टर्मिनल है वो NPN मोड में रहेगा। अब इसके बाद टू नंबर का जो डिप स्विच है अगर ये ऑफ कंडीशन में है जैसे अभी दिया हुआ है तो 18, 19, 27 और 33 ये PNP मोड में रहेगा और अगर ये
ऑन कंडीशन यानी डिप स्विच ऊपर हो जाता है, ऑन कंडीशन है तो 18, 19, 27 और 33 ये PNPN मोड में रहेगा। थर्ड नंबर जो डिप स्विच है वो नो फंक्शन है, उसका कोई फंक्शन मीजू नहीं है। और हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ये चौथे नंबर का, अगर हम अभी हम ये जो यहाँ पे ये है ये पोटेंशियोमीटर या 420 मिलीएम सिग्नल के इनपुट के लिए यूज होता है। अगर ये ऑफ कंडीशन में है तो टर्मिनल नंबर 53 0 to 10 वोल्ट में होगा, यानी यहाँ से पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने का सिग्नल यहीं से पोटेंशियोमीटर के लिए यहीं से सेट किया जाता है। और अगर ये ऑन कंडीशन होगा तो 53 नंबर टर्मिनल 4 to 20 मिलीएम्स या 0 to 20 मिलीएम्स पे सेट होगा। जैसे ये सब डिप स्विच का अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब हम इसकी ड्राइव्स की कंट्रोल वायरिंग को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम वेरियो फ्रिक्वेंसी ड्राइव की वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ये 12 नंबर जो 24 वोल्ट आउटपुट का वायर है ये यहाँ से जाएगा और ये ऑन पुश बटन के इनपुट में जाएगा जो NO एलिमेंट है नॉर्मली ओपन, और इससे लूप होके ऑफ पुश बटन के NC एलिमेंट नॉर्मली क्लोज में जाएगा। ये आपस में लूप हो जाएगा। उसके बाद एक है जो N ऑन से आएगा वो 18 नंबर टर्मिनल में जाएगा, उनका है ये 18 नंबर टर्मिनल पे पहुँचेगा, ऑन का 18 नंबर टर्मिनल पे जाएगा। अब इसके बाद जो ऑफ वाला है, ऑफ बटन का जो आउटपुट है पुश बटन का आउटपुट NC एलिमेंट से 27 यानी 27 नंबर में टर्मिनल पे पहुँचेगा। इस प्रकार हम इसे स्टार्ट और स्टॉप की वायरिंग करते हैं। अब हम पोटेंशियोमीटर की वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये इसके तीनों वायर हैं, इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और इसमें रेफरेंस एनालॉग आउटपुट में 50, 53 और 55 इन्हें बटन दबाइए, फिर ओके करेंगे, फिर उसके बाद अप की का यूज करेंगे और 5.10 में 9 सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये जो 9 नंबर है ये लैच स्टार्ट के लिए सेट होगा। उसके बाद 5.12 में जाएंगे और 5.12 स्टॉप इन्वर्स के लिए यूज होता है। 5.12 में 4 सिलेक्ट करेंगे जो कि स्टॉप इन्वर्स में यूज होगा। अब हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, ये स्टार्ट हो गई। अब हम पोटेंशियोमीटर के लिए मेन्यू में जाएंगे और अप बटन की का यूज करेंगे। इसमें 3.15 को सिलेक्ट करेंगे, उसमें 1 नंबर सिलेक्ट करेंगे जो 53 नंबर टर्मिनल को इनेबल करता है। इससे पोटेंशियोमीटर की स्पीड को हम घटा और बढ़ा के देख लेते हैं। ये स्पीड घट और बढ़ रही है। इस प्रकार हमारा स्टार्ट स्टॉप रिमोट बटन से ऑन ऑफ हो रहा है और पोटेंशियोमीटर भी वर्क कर रहा है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।